Good morning, dear students. It's EVS time. And today we will read chapter number 8. Because this chapter was remaining, तो ये पहले हम कंप्लीट करेंगे फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे ओके और चैप्टर नंबर 8 इज डेज टू सेलिब्रेट। हम किन किन डेज को सेलिब्रेट करते हैं, उनको सेलिब्रेट करने के पीछे रीजन क्या है और वो किस किस टाइप के फेस्टिवल्स हैं और रिलीजियस और नेशनल फेस्टिवल्स क्या होते हैं, या थोड़ा सा आप माइंड मैप ले लीजिए इसका। आज हमारा डेज टू सेलिब्रेट का है माइंड मैप। वी ऑल लव सेलिब्रेशन, चाहे बर्थडे पार्टी हो, चाहे मैरिज हो, चाहे किसी की एनिवर्सरी हो, चाहे फेस्टिवल्स, हमें कोई भी सेलिब्रेशन बहुत अच्छा लगता है। वी हैव फन एट फंक्शंस लाइक बर्थडेज, वेडिंग्स, एनिवर्सरीज, है ना। तो अभी आपको एक पिक्चर दिया है यहाँ पर, तो ये क्या कर रहे हैं, ये लोग इन्होंने बर्थडे कैप्स पहने हैं, गिफ्ट है और केक है, इट मीन्स बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो वी ऑल्सो सेलिब्रेट फेस्टिवल्स, सम फेस्टिवल्स आर रिलीजियस फेस्टिवल एंड वी ऑल्सो सेलिब्रेट नेशनल फेस्टिवल्स लाइक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सेलिब्रेशन, वी ऑल लाइक सेलिब्रेशन। नाउ सेलिब्रेशन में बर्थडे, weddings, anniversaries, तो ये है सारे celebrations। We also celebrate festivals। इसमें फिर आता है हमारा festival। Festivals are of two types, religious and national festivals. Religious festival, जो हमारे religion से related होते हैं, लाइक वी आर हिंदूज एंड वी सेलिब्रेट होली, दिवाली, रक्षाबंधन, है ना। और जो सिख होते हैं, हमने रिलीजियंस पढ़े थे ना, हिंदू, मुस्लिम, सिख्स एंड क्रिश्चियंस। जो क्रिश्चियंस होते हैं वो जो क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, ईस्टर सेलिब्रेट करते हैं, गुड फ्राइडे सेलिब्रेट करते हैं। सिख्स होते हैं वो गुरु नानक जयंती जो अभी आने वाली है 30th को, वो सेलिब्रेट बहुत ही जो उससे करते हैं, पॉम्प एंड शो से। और जो मुस्लिम्स होते हैं वो ईद उल जुहा मनाते हैं, है ना, बारह वफात मनाते हैं। तो सबके रिलीजियन से रिलेटेड जो फेस्टिवल्स होते हैं वो कहलाते हैं रिलीजियस फेस्टिवल्स। और नेशनल, जो हमारी कंट्री से, हमारे नेशन से रिलेटेड है, वो है नेशनल फेस्टिवल्स। जैसे कि अभी हमने 2 अक्टूबर को जो महात्मा गांधी की और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई थी, तो वो है हमारा नेशनल फेस्टिवल। हम मनाते हैं इंडिपेंडेंस डे, जब हमारी कंट्री इंडिया को जो ब्रिटिश जो उस रूल से हमें फ्रीडम मिली थी, तो वो हम मनाते हैं इंडिपेंडेंस डे के फॉर्म में, वो हमारा नेशनल फेस्टिवल है। अभी जनवरी में 26 जनवरी को रिपब्लिक डे आएगा, उसको भी हम सेलिब्रेट करते हैं, वो हमारा नेशनल फेस्टिवल है, क्योंकि ये हमारे नेशन से रिलेटेड है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फेस्टिवल्स, रिलीजियस एंड नेशनल। नेशनल में है हमारा इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती, 3 फेस्टिवल्स आर देयर। इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, गुरु नानक जयंती, ये कोई भी फेस्टिवल्स हो सकते हैं। तो
ये हैं हमारे रिलीजियस फेस्टिवल्स और ये हैं हमारे नेशनल फेस्टिवल्स। तो इन डेज को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं और इन्हीं डेज के बारे में आप हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि इंडिपेंडेंस डे हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं, क्यों हम वाई वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे एंड वाई वी सेलिब्रेट गांधी जय एंड व्हाट आर द रिलीजियस फेस्टिवल एंड वाई वी सेलिब्रेट दीज फेस्टिवल्स, क्यों हम दिवाली सेलिब्रेट करते हैं। या आप जानते भी हैं दिवाली के बारे में कि जो भगवान राम थे उन्होंने जब रावण को मार कर जब वो अयोध्या लौटे थे उसी खुशी में 14 वर्ष का जो 14 ईयर्स का एग्जाइल 14 वर्ष का वनवास एग्जाइल मीन्स 14 ईयर्स का एग्जाइल काटने के बाद जब वो फिर से अयोध्या आए थे है ना, अच्छाई पर बुराई के बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए है ना, दशहरा दिवाली ये सारे फेस्टिवल्स हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो ये सारा ही डिटेल इसके अंदर है। ये देखिए गांधी जयंती, ये रिलीजियस फेस्टिवल आएंगे, दशहरा दिवाली हम लोग क्यों सेलिब्रेट करते हैं, लॉर्ड रामा टू अयोध्या, दिस फेस्टिवल सेलिब्रेट्स द रिटर्न ऑफ लॉर्ड रामा टू अयोध्या, अयोध्या आने के उसमें ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। फिर ईद उल फितर हम क्यों मनाते हैं, गुरु पर्व हम क्यों मनाते हैं, क्रिसमस हम क्यों मनाते हैं, फिर सम अदर फेस्टिवल्स भी हैं, होली, दुर्गा पूजा, पोंगल, जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, तीज, ये सारे फेस्टिवल्स नेशनल और ये इसके बारे में हम लोग रीड करेंगे। ओके बच्चों, अभी तो आपको ये ध्यान रखना है कि वी ऑल लव सेलिब्रेशन है ना, और सेलिब्रेशन आर बर्थडेज, एनिवर्सरीज, वेडिंग्स एंड वी सेलिब्रेट फेस्टिवल्स टू। देर आर टू टाइप्स ऑफ फेस्टिवल्स, नेशनल फेस्टिवल्स एंड रिलीजियस फेस्टिवल्स। इतना आप जानिए, फिर हम डिटेल में ये थोड़ा थोड़ा जो पार्ट है फेस्टिवल्स का वो लेके कल इसको टू पार्ट में हम हमारा लेसन कंप्लीट करेंगे। ओके बच्चों।